हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी विश्नोई वेलकम टू प्रिंस कॉम्पिटिशन तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब इसका जो पेपर वन है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग इसका मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट्स एज अ बैंकर एंड एज अ ले मैन हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे पेमेंट्स जो हैं आज के टाइम में डिजिटली करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक नहीं होने वाला है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक टाइम था जब हमारे सारे पेमेंट्स जो है वो कैश में हुआ करते थे या फिर अगर हम कैश में नहीं करते थे तो हम जो है अपने डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से करते थे मतलब हम कैश से हमारी जो पूरी फंक्शनिंग है हमारी जो इकोनॉमी है वो कैश से कार्ड पर आई एंड कार्ड से अब कहाँ आ चुकी है कहाँ शिफ्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट्स पर आज के डेट में हम लोग देखते हैं हर एक शॉप पर हर एक वेंडर जो है वो अपने जो है क्या रखते हैं क्यू कोड्स जो है वो रखते हैं बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो क्या करना चाहते हैं वो डिजिटली जो है पेमेंट करना चाहते हैं राइट right? क्योंकि अब जो है मोस्ट ऑफ दी पीपल की जो कैश रखने की आदत है वो छूट चुकी है हम लोग जो है बहुत ज्यादा डिजिटली जो है इन चीजों में आगे बढ़ चुके हैं येट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी कैश कैरी करते हैं एंड उन्हें ये सारे पेमेंट से लगता है डर कि क्या पता कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए ऐसा ना हो जाए कि हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाए तो इस डर के कारण जो है बहुत सारे लोग

सेम वे में हम पेमेंट करेंगे तो अब जब हम इस पर्टिकुलर सिनारी ज्यादा बढ़ चुके हैं तो क्या जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या वेरियस ऑफ पेमेंट के टाइप्स होते हैं इन्हें देख लें हम लोग राइट right. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो वेरियस हमारे टाइप्स ऑफ पेमेंट है वो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में इमिडियट पेमेंट सर्विस दैट इज आई एम पी एस हम लोग पढ़कर आए थे एनई एफ टी आर टी जी एस कुछ वैसा ही होता है आई एम पी एस भी NEFT एंड RTGS में क्या है कि कुछ टाइम लग सकता है राइट आ, जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम जो है वो लग सकता है लेकिन जब हम बात करते हैं आईएमपीएस की तो इसका एज द नेम सजेस्ट इमीडिएट पेमेंट सर्विस इमीडिएटली जो है क्या हो जाता है पेमेंट हो जाता है तो जो डिफरेंस है वो यही है IMPS RTGS एंड NEFT में ठीक है अब एक बार इसे देख लेते हैं क्या-क्या चीजें हैं IMPS provides robust and real time fund transfer, which offers an instant 24 into 7 interbank electronic transfer. सर्विसेज दुड बी एक्सेस्ड ऑन मल्टीपल मोबाइल इंटरनेट एटीएम एसएमएस ब्रांच एंड यूएसएसडी एस एस डी एस एस डी क्या होता है 99 ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है ना एज ए बैंकर अगर मतलब कि जो लोग बैंकर है अगर वो इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए शायद ये नंबर जो है वो काफी कॉमन होगा लेकिन एज अ लेमेन अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है हर किसी को नहीं पता होता है तो यहाँ पर क्या बन सकता है यहाँ पर जो है आपका एम सी क्यू बन सकता है कि यू एस एस डी का जो नंबर हमें डायल करना होता है वो कौन सा होता है तो वो क्या है आपका स्टार डबल नाइन हैश टैग फॉर ऑल दोज पर्सन जिनके पास में स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं वो ये मोबाइल बैंकिंग वगैरह जो है उसे यूज कर सकते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर सकते हैं बाय डायलिंग दिस नंबर

जब भी एक चेकबुक इशू होती है तो फर्स्ट टाइम जब अकाउंट ओपन होता है तो चेकबुक जो है वो हमें अकाउंट के साथ में ही मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है उसके बाद में अगर एक हमारी चेकबुक फिल हो जाती है और हमें अगर एक और चेकबुक की जरूरत होती है तो उसे इशू करने के लिए हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो अब वो चार्जेस पे करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अब चेक वगैरह जो है इशू करने की जरूरत ही नहीं होगी आप डायरेक्टली किसी भी बैंक अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ आई ठीक है करेंटली ऑन IMPS 243 पी एस टू फोर्टी थ्री में लाइफ विच इंक्लूड्स बैंक एंड पी ठीक है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट इज पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो आईएमपीएस है उसमें एट प्रेजेंट कितने हैं टू फोर्टी थ्री और पीपीआईएस के ठीक है पीपीआई के दिस फेसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाई एनपीसीआई थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग एन एफ एस स्विच ठीक है अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को पता है कि आई एम पी एस क्या है उसका मतलब क्या है कैसे वर्क करता है अब जो मेन बात है वो ये है कि क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं कौन ऑपरेट कर रहा है किसने जो है आ, कौन जो है उसे रेगुलेट कर रहा है ठीक है थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग एन एफ एस स्विच ठीक है ये एन एफ एस स्विच भी जो है वो आप लोगों क्या करना है याद रखना है ठीक है है कि भाई कौन सी इंस्टीट्यूट है, क्या है कौन जो है इन सारी चीजों को हमें प्रोवाइड कर रहा है ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमपीएस क्या है टू अनेबल यूज ऑफ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेमिटिंग फंड्स फ्रॉम बैंक अकाउंट

तो इसमें कौन कौन जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑब्वियस ऑब्वियसली चीज है एक सेंडर होगा सेंडर को क्या बोला जाएगा रेमिटर ठीक है इनके जो प्रॉपर नेम्स है वो भी याद रखना है सेंडर को बोला जाएगा रेमिटर रिसीवर इज द बेनिफिशियरी बैंक होगी बैंक क्यों होगी अब ऑब्वियस ऑब्वियसली चीज है अगर हम कोई भी मनी को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो बैंक का होना तो जरूरी है ना एक सेंडर की बैंक भी और रिसीवर की बैंक दोनों जो बैंक है वो क्या है वो वहां पर रिक्वायर्ड होती है सेंडर की बैंक से जो है मनी डेबिट किया जाएगा रिसीवर की बैंक में मनी क्रेडिट किया जाएगा तो इसके लिए बैंक का होना जरूरी है एंड द फोर्थ पार्टिसिपेंट जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है दैट इज एनएफएस स्विच एनपीसीआई दैट इज व्हाट नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनपीसीआई ठीक है आईएमपीएस प्रोवाइड्स एन इंस्टेंटेनियस ऑल राउंड 24 into 7 into 365 फैसिलिटी फॉर पर्सन टू पर्सन पर्सन टू अकाउंट एंड पर्सन टू मर्चेंट रेमिटेंसेज वी आर मोबाइल इंटरनेट एंड ए टी एम्स ठीक है इसमें हम पर्सन टू पर्सन भी कर रहे हैं पर्सन टू अकाउंट भी कर देते हैं पर्सन टू कोई मर्चेंट जो है उन्हें भी हम ये रेमिटेंसेज सेंड कर सकते हैं और मोबाइल इंटरनेट या ए टी एम्स के थ्रू प्री रिक्वेट फॉर आई एम पी एस थ्रू मोबाइल बैंकिंग इज Registration of the sender and the receiver for mobile banking and obtaining seven digit MMIG. फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक ठीक है एम एम आई डी बेसिकली एक जो है कॉम्बिनेशन होता है seven digit का जिसमें की मोबाइल नंबर एंड अकाउंट नंबर उन दोनों को मिलाकर एक नंबर बनाया जाता है जो की हेल्प करता है जो की एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हम उसे बोल सकते हैं जिससे की ये पता चलता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से ये सारा जो ट्रांजेक्शन है वो हो सकता है ठीक है ऑल सो जो एम पिन मोबाइल पिन जो होता है उसकी भी जरूरत होती है फॉर ओपनिंग योर एप एंड ऑल ठीक है तो उसके लिए जो है फॉर सिक्योरिटी रीजन एम पिन भी जो है वो यूज किया जाता है ठीक है तो प्री इसमें क्या हो गए कि जो भी सेंडर है और जो रिसीवर है उनका जो उनका जो मोबाइल नंबर है ठीक है वो रजिस्टर होना चाहिए बैंक के साथ में या फिर बैंकिंग की ये जो फैसिलिटीज लेनी है तो उसमें उनका मोबाइल नंबर दोनों का जो है रजिस्टर्ड होना जरूरी है और उन्हें सेवन डिजिट एम एम नंबर जो है वो क्या करना होता है वो रिसीव करना होता है या वो जो है ऑप्टेन करना होता है द सेंडर ऑल्सो नीड्स टू डाउनलोड मोबाइल ऐप एंड ऑप्टेन एम पिन ठीक है एम पिन जो है वो हम खुद ही ऑप्टेन करते हैं स एम पिन जो है वो हम खुद ही जो है बनाते हैं जैसे कि हम अपना एटीएम पिन चूज कर सकते हैं सेम वे में हम अपना एम पिन जो है खुद चूज करते हैं खुद जो है उसे फ्रेम करते हैं एनएमएम आई डी जो है वो बेसिकली जब हम मोबाइल बैंकिंग के लिए या ये बेसिकली मोबाइल बैंकिंग के लिए जब हम लोग रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम पर बैंक जो है वो हमें प्रोवाइड करती है ये पर्टिकुलर आई डी ठीक है नाउ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई आई एम पी एस हो गया अब नेक्स्ट वाले पर आते हैं दैट इज यूपीआई यूपीआई बहुत ही सिंपल सी चीज है ये जो हमारे सारे आ, फोन पे हो गए गूगल पे हो गए राइट एमेजोन पे ये एक काइंड से क्या है ये सारे जो है ये यूपीआई है दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI is a इज mobile यूनिफाइंग मल्टीपल several अकाउंट features seamless एप्लीकेशन मर्जिंग एंड मर्चेंट payments ठीक है UPI क्या है एक सिस्टम है जो कि यूनिफाई कर रहा है किसे यूनिफाई कर रहा है मल्टीपल बैंक accounts को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे कि हम लोग फोन पे एक example ले लो फोन पे अगर हम लोग ले तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इसी बैंक के जो है अकाउंट ओपन हो सकते हैं राइट उसमें जो है आप आपका जो है यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो आप फोन e पे गूगल पे ये सारी चीजें यूज कर सकते हो आप चाहे कोई सी भी बैंक में आपका अकाउंट हो राइट उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते वही जब हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक जो है बैंक का एप है जैसे कि अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का एग्जाम्पल लें तो उसका पर्टिकुलर ऐप कौन सा होता है आई मोबाइल राइट तो आई मोबाइल जो है उसमें बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक वाला जो पर्सन है आईसीआईसीआई बैंक का जो कस्टमर है सिर्फ वही उसे ऑपरेट कर पाएगा बाकी कोई दूसरे नहीं कर सकते राइट right? लेकिन अगर हम बात करें यूपीआई की दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तो ये एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें सारी जो बैंक्स हैं वो यूनिफाई कर दी जाती है जो सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो सारी बैंक्स हैं Uh, उनके जो कस्टमर्स हैं वो अपना जो ये यूपीआई आई वगैरह है वो ओपन कर सकते हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं और इन सारी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं इट ऑल्सो केटर्स टू दियर टू पियर कलेक्ट रिक्वेस्ट विच कैन बी शेड्यूल्ड एंड पेड एज रिक्वायर्ड इट प्रोवाइडेड फंड ट्रांसफर राउंड द क्लॉक विथ वर्चुअल एड्रेस ऑफ द कस्टमर फॉर पुल एंड पुश ट्रांसेक्शन इट कैन बी यूज फॉर मर्चेंट पेमेंट यूटिलिटी बिल पेमेंट पेमेंट एक्सेट्रा ठीक है तो ये जो UPI है उनके ये सारे uses हम बोल सकते हैं आ, हम लोग कई बार देखते हैं जब आ, कोई अगर हम मोबाइल के मोबाइल में किसी एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन में हमें जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो हम वहां पर जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए हम किससे कर रहे हैं फोन पे से हमें पेमेंट करना है तो आज, एंड लेट्स अज्यूम कि अमेजोन से हमने कुछ खरीदा है एंड फोन पे से हमें उसका पेमेंट करना है ठीक है तो जब हम बोलते हैं कि हमें फोन पे से पेमेंट करना है तो एक जो है नोटिफिकेशन आता है हमारे पास में फोन पे पर कि उस नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करते हैं हम अपना जो ऐप है वो ओपन करते हैं उस पर अमाउंट अपने आप जो है वो फीड होकर आता है इफ अगर हम उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसमें अपनी जो पिन वगैरह है वो डालते हैं और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या है ये नोटिफिकेशन जा रहे हैं ठीक है पुल एंड पुश जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहे हैं जो यहाँ पर बोला जा रहा है पी टू पीर कलेक्ट रिक्वेस्ट विच कैन बी शेड्यूल्ड एंड पेड एज रिक्वायर्ड है ना ऐसे ही अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे मर्चेंट वेंडर्स हैं जिनके जो 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 लोग ऐसा है प्रॉपर ये सारी फंक्शनिंग है वो करते हैं जब हम स्कैन करते हैं उनका कोड तो जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो अपने आप फीड होकर आ जाता है हमें सिर्फ जो है अपना पिन डालना होता है और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और बहुत जगहों पर कैसा होता है बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि अमाउंट जो है वो हम खुद फीड करते हैं तो दोनों ही केसेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जब हम यूपीआईज में बात कर रहे हैं तो ठीक है इन इसके जो पार्टिसिपेंट वो कौन कौन है पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पी एस पी सर्विस प्रोवाइडर है वो होना चाहिए सेकेंड चीज पेई पी एस पी पेयर का तो है ही पेयर जो कि पे कर रहा है उसका तो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए साथ ही साथ जो पेई है उनका जो है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए राइट क्योंकि अगर एक पेमेंट किया जा रहा है तो सामने जब तक कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा तब तक वो जो पेमेंट है वो किसी काम का ही नहीं है राइट तो इसके लिए पेई पी एस पी की भी जरूरत है रेमिटर बैंक बेनिफिशियरी बैंक दैट इज जो सेंडर की बैंक है और जो रिसीवर की बैंक है एनपीसीआई उसके बाद में बैंक अकाउंट holders and merchants. Okay? It requires registration by the customer on the UPI application and set his UPI PIN. Okay? By using virtual ID of a beneficiary a customer can send a push remittance. Unique feature of this mode is that a customer can raise a pull transaction requesting transfer of funds from the another customer

If the mobile number is already registered, generate one time password that is OTP, set and change pin. चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस रेस डिस्प्यूट रेस क्वेरीज अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी यू और भी जो फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं राइट जैसे कि हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं अपने ये जो एप्स होते हैं उन पर कि हमारे जो स्टेटस ऑफ आर अकाउंट वो कैसा है उसमें उसमें जो है कितना मनी अभी बचा है कितना बैलेंस है हमारे ट्रांजेक्शन क्या क्या हुए हैं ओवर दी मंथ या कुछ लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है ये सारी सारी चीजें जो है वहां से चेक की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस जो वेरियस जो आ, हमारे पेमेंट्स हैं फॉर कलेक्शन और दी पेमेंट जो हमें करने होते हैं लाइक like, जो है प्रीपेड कोई पेमेंट्स करने हैं कोई फोन में बैलेंस डालना है कोई जो है आपका टीवी का जो डीटीएच ऑपरेटर है उनमें हमें जो है क्या करना है उसमें जो है हमें अपने मनी वगैरह डालना तो उस हिसाब से ये सारी चीजें भी जो है ये आपके जो यूपीआई एप्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते, है। करते हैं ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ में ये जो एप्स होते हैं ये of वेरियस काइंड करते हैं कस्टमर्स को ताकि उनकी वजह से जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे इन एप्स को यूज करे ठीक है भारत इंटरफेस फॉर मनी दैट इज भीम इज एन ऐप दैट फेसिलिटेट ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐप है जो कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन जो है वो फेसिलिटेट करता है सो दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ठीक है फिर आता है नेक्स्ट वाला भारत बिल पे और भारत बिल पेमेंट सिस्टम दैट इज बी बी पी एस नाउ भारत बिल पे इज एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम कनेक्टिंग बैंक्स एंड नॉन बैंक्स इन बिल्स एग्रीगेशन बिजनेस बिलर्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड रिटेल बिल आउटलेट ठीक है नाउ एज बिल पे बिल पे इसमें क्या करना है बिल पेमेंट होता है ठीक है सो जो भारत बिल पे है वो एक क्या है वो एक इंटीग्रेटेड हम सिस्टम बोलेंगे जिसमें कि ये जो वेरियस बैंक और नॉन बैंक है उन्हें कनेक्ट किया जाता है एंड जो बिल्स हैं उनसे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो देखी जाती हैं Banks can function as Bharat Bill Payment Operating Unit that is BBPOU.

कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट और जो बिलर ऑपरेटिंग यूनिट है उन्हें कनेक्ट करती है एंड जहां जहां पर ये ये चीज एप्लीकेबल है पर्टिकुलर जो है हमारा पेमेंट uh, या ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है सिस्टम जो है है ये जहां पर भी एप्लीकेबल uh, वहां पर ही अप्लाई किया जाता है तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है की कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट और जो बिलर ऑपरेटिंग यूनिट है उन्हें लिंक किया जा रहा है बाय भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट ठीक है अब इसमें बेसिकली क्या कर रही है बैंक जो है जिसे बिल पे करना है उसको और जिस जिसको करना है उन दोनों को मिला रही है यहां पर कस्टमर जो है वो अपना बिल पे कर देगा और ये जो पेमेंट है वो एक जो बिलर है उसके पास में पहुंच जाएगा ठीक है तो इस वे में जो है ये बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो चलता है देन भारत बिल पे सपोर्ट्स मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट एट सिंगल विंडो मल्टीपल मोड्स एक सिंगल विंडो पे दैट मींस हम पेमेंट अलग-अलग वे से कर सकते हैं कार्ड हो जाएंगे आपके डेबिट क्रेडिट और पे, प्रीपेड कार्ड्स एनईएफटी इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट सदर बेस्ड पेमेंट्स एंड कैश फॉर वाइड कलेक्शन कैटेगरीज इलेक्ट्रिसिटी टेलीकॉम डी टी एच गैस वाटर बिल्स एक्सेट्रा एंड अदर देन रेपिटेटिव पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम म्यूचुअल फंडल फीस इंस्टीट्यूशन फीस क्रेडिट कार्ड फास्ट टैग रिचार्ज लोकल टेक्सेस हाउसिंग सोसाइटी पेमेंट एक्सेट्रा सो बेसिकली जो बहुत ऐसे अथोराइज चीजें हैं कि हाँ यहां पर जो है लोगों को पेमेंट करना पड़ता है तभी क्या है तभी जो है ये सारे ट्रांजेक्शन अंडरटेक किए जाते हैं तो आ, ऐसे जगहों पर क्या यूज किया जाता है जो भारत बिल पे उसे यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से बहुत ही इजीली जो है कस्टमर्स अपने ये बिल्स का जो पेमेंट है वो कर सकता है एंड बिलर्स को जो है उनका मनी मिल जाएगा ठीक है तो इन अदर वेज से जो है इन सारे वेज से जो है एक पेमेंट किया जा सकता है या इन सारे वेज से जो है भारत

Uh, एजेंट्स के फॉर्म में एजेंट आउटलेट बना दिया बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है उनके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं कोई भी जो है बैंक ब्रांचेस के थ्रू कोई कलेक्शन सेंटर्स के थ्रू तो ये जो है ये और भी जो फैसिलिटीज है जो पेमेंट की फैसिलिटीज है उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है ये कस्टमर जो है वो इन में इन लोगों को भी जो है या ये जो पर्टिकुलर आउटलेट्स है यहाँ पर भी पेमेंट कर देगा और फिर जो है ये सारे हमारे बिहाफ में जो है आगे मनी को ट्रांसफर कर देंगे जहां पर हमें एक्चुअली में इस बिल को पे करना रहे

फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन थ्रू द बिजनेस करेस्पोंडेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग ऑथेंटिकेशन अब जो ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है इसमें एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट का होना क्या है जरूरी है ठीक है क्योंकि ये जो पेमेंट्स हैं ये एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू ही क्या किए जा सकते हैं कंप्लीट किए जा सकते हैं तो ये जो ए पीएस होते हैं ये क्या है ये एक काइंड ऑफ बैंक लेड मॉडल है जो कि अलाउ करते हैं ऑनलाइन जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन को या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को जो है ये अलाउ uh, करते हैं माइक्रो ए दैट इज जिसे हम पीओएस बोलते हैं वहां पर और ये किए जाते हैं बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंस ठीक है और उन बिजनेस करस्पॉन्डेंस uh, के पास में जो है आधार ऑथेंटिकेशन होना क्या है जरूरी है ठीक है दैट मीन्स वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सो so दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है अगर ये यूज करना है तो मैं डायरेक्टली खुद नहीं कर सकती हूँ मुझे एक बिजनेस करस्पोंडेंट के पास जाना पड़ेगा जिनके पास में जो कि आधार ऑथेंटिकेशन करते हो एंड देन जो है वो पेमेंट किया जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले जो आधार कार्ड है या जो हमारा आधार कार्ड में जो सारी इंफॉर्मेशन फीड है उसको जो है ऑथेंटिकेट किया जाएगा उससे जो है देखा जाएगा कि हाँ हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो वो कैसी है वो सही है वो नहीं है ये सारी चीजें ठीक है सो इट फैसिलिटेट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्या क्या टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन है इसमें कैश विड्रॉल हो गया कैश डिपॉजिट हो गया बैलेंस इंक्वायरी हो गया आधार टू आधार फंड ट्रांसफर हो जाएगा मिनी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी एंड बेस्ट फिंगर डिटेक्शन भी हो सकता है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है आधार ऑथेंटिकेशन आथिन, है सो दैट मीन कि जो बेस्ट फिंगर डिटेक्शन है वो भी पॉसिबल होगा The only inputs required from the customer are IIN that is issuer identification number ठीक है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो information required होती है customer से वो क्या है वो है IIN that is issuer identification number identifying the bank of the customer ठीक है इससे क्या किया जाएगा इससे जो है जो bank है customer की उसे identify किया जाता है now यहाँ पर ये question बन सकता है कि Aadhaar जो based payment services है आधार पेमेंट सर्विसेज उसमें एक किस पर्टिकुलर जो है चीज की सबसे ज्यादा so इसके अलावा जो आधार नंबर है और जो फिंगरप्रिंट कैप्चर्ड है वो तो भाई एकदम सिंपल सी चीज है कि जब भी हम कोई भी आधार ऑथेंटिकेशन के पास में जाएं अगर तो वो हमारी फिंगरप्रिंट जरूर चेक करते हैं फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से देखा जाता है कि हाँ मैं पर्सन वही हूँ जो कि इस आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हूं राइट सो अकॉर्डिंगली आधार नंबर की जरूरत है एन किसकी जरूरत है जो फिंगर प्रिंट है उनकी ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गए तीन हो गए आई आई एन देन आधार नंबर और फिंगर प्रिंट जो कैप्चर्ड की गई थी जब एनरोलमेंट हुआ था उस टाइम पर ओके

For this the merchant only needs an Android mobile with the B Madhar app.

आप थंब पिंस जो है आपका अगर फिंगरप्रिंट बता रहे हो सो दैट मींस व्हाट कि वो बायोमेट्रिक स्कैनर भी होना चाहिए जो कि हमारी जो ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो स्कैन कर सके है ना तो बायोमेट्रिक स्कैनर की जरूरत है जो कि अटैच रहेगा किससे मोबाइल डिवाइस से एंड इसके अलावा क्या चाहिए इसके अलावा जो मर्चेंट है और जो कस्टमर है दोनों का जो बैंक है अकाउंट है वो अपने अपने आधार नंबर से लिंक्ड होना चाहिए तभी जो है ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर मैं जाऊं किसी मर्चेंट के पास में जो है आधार बेस्ड अगर पेमेंट करने तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो अकाउंट है वो मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड होना ही चाहिए वैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो आधार नंबर से मोस्ट ऑफ दी जो अकाउंट है वो लिंक्ड होते हैं ये जो केवाईसी रूल्स वगैरह है उसकी वजह से लेकिन हमने ये भी देखा है के रूल्स में कि अगर कोई पर्सन अपना आधार कार्ड नंबर से मना कर दे तो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को यूज किया जा सकता है so that means उनकी चॉइस पर ठीक है बट अगर भीम आधार एप चाहिए है, या भीम आधार एप से जो है अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ये जो है दोनों को लिंक होना क्या है जरूरी होगा ठीक है भारत क्यू आर दी क्यू आर अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ऐसे ही बोल सकते हैं सो इज अ पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट ठीक है क्या है पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट दैट जो कि एक वेंडर है जो कि एक सेलर है उन्हें हम बोल सकते हैं द मर्चेंट नीड्स टू डिस्प्ले द क्यू आर कोड परटेनिंग टू हिज बैंक अकाउंट द कस्टमर कैन स्कैन द क्यू आर वी आर जब हम पेमेंट करते हैं तो उसे हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं भारत क्यू आर बोल रहे हैं फिर आते हैं रुपे कार्ड सो रुपे इज ए न्यू कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च बाई दी सी आई टू फुलफिल आरबीआई विजन टू ऑफर डोमेस्टिक ओपन लूप मल्टीलेटरल सिस्टम टू ऑल द इंडियन बैंक एंड फिनाशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ठीक है सो so, रुपये कार्ड जो है वो बेसिकली कंप्लीटली जो है इंडिया बेस्ड हमारा क्या है एक प्रोडक्ट हम उसे कहेंगे और ये जो है एनपीसीआई ने लॉन्च किया है किस पर्टिकुलर विजन से जो आरबीआई का विजन है कि एक जो है हमारे पास में डोमेस्टिक ओपन लूप मल्टीलेटरल जो है सिस्टम हो सारी इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है तो उसके लिए जो है रुपए कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है दीज कार्ड है एडवांटेजेस ऑफ Lower cost and affordability arising from domestic, domestic processing of the transactions, customized offering of Indian markets. प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन कंज्यूमर्स जो इंडियन कंज्यूमर्स की आ, जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया में ही रह रही है वो बाहर नहीं जा रही है लाइक वीज एंड मास्टर कार्ड वी नो कि ये जो है ये मल्टी नेशनल कंपनीज हम इन्हें कहेंगे जिनके बेसिस पर जो है हमारा क्या होता है जो डेबिट कार्ड इन क्रेडिट कार्ड हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं राइट तो सेम वे में जो है एक डोमेस्टिक हम बोलेंगे कि एक डोमेस्टिक जो है प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया है बाय

जो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं कि हमने पहले जो है पहले ही उसे पेमेंट कर दिया है बाद में हम चीजें खरीद रहे हैं बाद में हम उसे यूज कर रहे हैं हमने जो है उसका पेमेंट पहले से ही करके रख दिया है दैट इज प्रीपेड और ये जो प्रीपेड वाली चीज है ये बहुत बार हमें जो बिग बिग शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं वहां है पर देखने को मिलता है कि वो जो है हमें कार्ड इशू कर देते हैं प्रीपेड कार्ड इशू कर देते हैं हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं कि अच्छा हमने जो है इतने का कार्ड बनवाया अब इतने का जो हम

पेड फॉर बाय द होल्डर्स बाय कैश बाय डेबिट टू दी बैंक अकाउंट और बाय क्रेडिट कार्ड ठीक है अब अल्टीमेटली वो मनी हमारे पास से ही जा रहा होता है बस ये होता है कि हमने पहले पेमेंट कर दियादेंगे यूजली क्या करते हैं हम पहले चीज खरीदते हैं फिर पेमेंट करते हैं सो द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी इश्यूड एज स्मार्ट कार्ड मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इंटरनेट अकाउंट इंटरनेट वॉलेट्स मोबाइल अकाउंट मोबाइल वॉलेट्स पेपर वाउचर्स एंड ओनली सच इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज टू एक्सेस द प्रीपेड अमाउंट कलेक्टिवली कॉल्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हेयर आफ्टर ठीक है तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कुछ इन टाइप्स में हो सकते हैं स्मार्ट कार्ड्स हो सकते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स हो सकते हैं कोई भी जो है इस वे में जो है प्रीपेड uh, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम मान सकते हैं जो अथोराइज है कि हाँ इस वे में आप यूज कर सकते हो वैसे आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं थ्री कैटेगरीज क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है तो ये तीन काइंड के क्या है हमारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ओपन दैट मीन दिस कैन बी यूज एक वाइड रेंज में हम बोलेंगे ठीक है और अपार्ट फ्रॉम एक कंस्टेंट जगह पर रेस्ट्रिक्ट होने से जो है वो क्या रहेगा कि वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा वो ओपनली जो है अलग अलग जगहों पे भी यूज हो सकता है सेमी क्लोज क्या हो जाएगा जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे एंड कुछ नहीं भी रहेंगे एंड वोट आर क्लोज सिस्टम पेमेंट्स की ये जो है आप Uh, आप जो क्लोज सिस्टम पेमेंट्स दैट मीन्स दैट इज रेस्ट्रिक्टेड कि आप इस पर्टिकुलर शॉप में ही इस पर्टिकुलर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो इस वे में ऑल राइट right? अगर हम देखें तो एक सिंपल से एग्जाम्पल जो क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड इज व्हाट लोन बेस पर हो जाता है क्रेडिट कार्ड का अपोजिट ले लो जैसे कि क्रेडिट कार्ड में हम पहले जो है सारी चीजें खरीद लेते हैं या क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं बाद में हम उसका पेमेंट करते हैं है ना तो क्रेडिट कार्ड का अपोजिट ले लो कि हम पहले ही पेमेंट कर रहे हैं और फिर बाद में हम उसे यूज करते रहते हैं ठीक है सो द पी पी आई इज में बी यूज एज कार्ड्स वॉलेट्स एंड एनी सच फॉर्म और इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू एक्सेस द पी पी आई एंड टू द एंड टू यूज द अमाउंट लीन देअर एंड ठीक है पीपीआई इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर वाउचर्स शॉल नो लॉन्गर बी इशूड पेपर वाउचर्स के उसमें जो है इशू नहीं करना है ठीक है क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें मतलब कि पहले भी देखें तो पेपर वाउचर्स जो होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं उन्हें संभाल कर रखना प्रॉपरली उसी स्टेट में संभाल कर रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी गीले हो जाएं वो कभी उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए कभी फट जाए तो फिर ऐसे केस में वो यूज नहीं हो पाते इसलिए पेपर वाउचर्स के जो है फॉर्म में अब आज की डेट में हम पीपीआई को नहीं देखते हैं पीपीआई एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन दम ऑफ पेपर वाउचर्स मोबाइल वॉलेट आर बींग इशूड बाय बोथ बैंक एंड नॉन बैंक एंटिटीज ठीक है सो दीज वर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से सारे ये जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहूंगी दैट इज ये जो सारे वीडियोज हैं ये आप एक्सेस कर सकते हैं हमारा जो हमारी मैग्नेट ब्रेन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां से बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है आप लोगों को गूगल ओपन करना है वहां पर आपको सर्च करना होता है www.magnetbrains.com तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी इसे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे उसमें से एक आपको दिखेगा जाप कैब आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो प्लेलिस्ट जब आपको विजिबल हो जाएंगी इनमें से आपको जिस भी प्लेलिस्ट या जिस भी पर्टिकुलर जो है कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस देखना उसके वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो सारे टॉपिक्स से जो सारे वीडियोस हैं वो आपको विजिबल होंगे वहां से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉचनाओ पर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो प्ले हो जाएगा इस वे में आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट से भी अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग यूट्यूब से भी इन सारे वीडियोस को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन कॉम्पिटिशन आप लोग उसे सब्सक्राइब करें इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो थैंक यू